सेवंथ क्लास में तीसरा चैप्टर चल रहा है अपना आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें कल हमने इकहरा दंड आलेख पढ़ लिया था, आज हमारा चैप्टर है दोहरा दंड आलेख। 3.3 में तीन सवाल हो गए थे, चौथे सवाल में हमारे पास दोहरा दंड आलेख है, यानी एक ही ग्राफ पेपर पर एक साथ दो दंड आलेख दर्शाना है। तो इससे संबंधित हम एक सवाल लेते हैं कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, एक उपयुक्त स्केल यानी पैमाना लेकर दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे विषय दे रखा है, यहाँ पे प्रथम सत्र दे रखा है, यहाँ पे द्वितीय सत्र है। विषय में अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। फिर यहाँ प्रथम सत्र में जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो 100 में से हैं, अंग्रेजी में 67 है, हिंदी में 72 है, गणित में 88 है, विज्ञान में 81 है। उसके बाद में द्वितीय सत्र है, उसमें 70, 65, 95, 85 और 75। ये इस तरह से हमें एक सारणी दी है, इसकी सहायता से आपको दोहरा दंड आलेख खींचना है। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ पेपर रहेगा, इस तरह से हमारा एक ग्राफ पेपर है। इसमें जो दाएं से बाएं रेखाएं जा रही है ये, इनको हम अक्षक्ष बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जो रेखाएं जा रही हैं उनको हम वाई अक्ष, दूसरी भाषा में इनको हम अक्षक्ष का दूसरा नाम क्षैतिज होता है, और इसका दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर, ये दूसरा नाम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ अक्ष अक्ष पर ये विषय दर्शाएंगे, यहाँ पे हम विषय दर्शाएंगे। तो ये दोहरा दंड आलेख है जिसमें प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र है। तो पहले दो खाने लेंगे हम, पहले दो खाने लेना है, दोहरा इकहरा दंड आलेख में एक ही खाना लेना है फिर खाली छोड़ना है, जबकि दोहरे दंड आलेख में आपको क्या करना है, पहले दो खाने ले लो फिर एक खाली छोड़ना है। तो यहाँ पे पहले दो खाने लेके उसमें इंग्लिश लिख देंगे हम, अंग्रेजी यहाँ पे आप अंग्रेजी लिखोगे इन दोनों खानों के लिए, इस तरह से चीज़ लगा सकते हो। फिर एक खाली छोड़ देना है, ये हमारे पास खाली रहेगा। फिर दो ले लेना है, अंग्रेजी के बाद में हिंदी लेना है, हिंदी, हिंदी के बाद में गणित है, तो एक छोड़ के यहाँ पे आप गणित लिख दोगे, गणित, और एक खाली छोड़ के विज्ञान, इन दोनों के लिए भी विज्ञान आ जाएगा यहाँ पे, और फिर एक खाली छोड़ के यहाँ आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। इस तरह से यहाँ पे आपने विषय लिखा है तो ब्रैकेट में यहाँ कर देना विषय, विषय, और ऊपर से नीचे यानी कि वाई अक्ष पर आपको क्या करना है, ये अंक दर्शन है जो कि हाईएस्ट है हमारे पास, ये 100 में से है भैया, ये 100 यहाँ लिख दिया हमने, 100 में से प्राप्तांक है ये। तो यहाँ पे प्राप्तांक प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दोनों के देखेंगे तो हाईएस्ट देखो इन दोनों में कितना आ रहा है, 95, यानी हमारे पास लगभग 100 अंक है। तो यदि हम एक एक दर्शाएंगे तो 100 खाने नहीं होते हमारे पास, यहाँ हमारे पास 24 या 25 खाने होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर एक खाना बराबर यदि दो लोगे तो 48, 24 दोनों 48 ही आएंगे। उसके बाद आपको 5-5 लेना है, तो यहाँ पे 5-5 लोगे तो आराम से 25 खानों में 100 आ जाएगा। 5-5 ले लेंगे, इसे 0, 5,
दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस, पचास, पचपन, साठ, पैंसठ, सत्तर, पचहत्तर, अस्सी, पचासी, नब्बे, पचानवे तक लिख दोगे। यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे यहाँ पे प्राप्तांक, प्राप्तांक इस तरह से ये हो गया। अब हमारा स्केल यहाँ पे होगा पैमाना, पैमाना आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसके ऊपर भी, या फिर जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख सकते हो। पैमाना केवल इसी का लिखना है इसमें, तो वाई एक्स इस पर देखना है। एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पे हमने पांच पांच लिए थे, एक खाने में पांच लिए हमने, पांच पांच का अंतर दिख रहा है ना, तो एक खाने में हमने पांच लिए, बराबर पांच अंक लिख दोगे। ये अंक दिए हुए प्राप्तांक, तो ये अंक हो जाएंगे। यदि ये धन है तो रुपये में लिख देना, आयु है तो वर्ष में, या कोई अन्य माप है तो उसमें लिखना। इस तरह से ये स्केल हो गया। अब इसको दर्शाना कैसे वो ध्यान से देखें। हम पहले प्रथम सत्र में चलते हैं, तो अंग्रेजी विषय में जाना है तो अंग्रेजी विषय ये रहा। इसमें अंग्रेजी में हमारे पास 67 है, 67 है, तो यहाँ से हम चलेंगे सीधा 65 पर चले जाएंगे, ये रहा 65। अब आगे 70 आ रहा है, जबकि इस खाने के अंदर यहाँ 10 लाइनें होती है छोटी छोटी। इस तरह से मैं खाना बना के देता हूँ, देखो ये खाना है वो, यहाँ मान लो 65 है, यहाँ 70 है, इसमें इस तरह से 10 लाइन होती है, 10 लाइनें, तो 10 बट्टा हमने लिया है 5, 2। एक अंक के लिए हमारे पास 2 लाइन आएगी, यहाँ 2 आए ना, तो एक अंक के लिए, जैसे मान लो आपको 66 लेना है, 2 लाइन गिनोगे तब 66 बनेगा। इसी तरह से 67 गिनना है तो 2 और गिनोगे, यानी कि 65 के बाद में हमें 2 और गिनना है 4, तो लाइन हो जाएगी 4 उसके लिए। 65 के बाद में 2 लाइन गिनोगे तो 66, इस तरह से चौथी लाइन पे आप इस तरह से लगाओगे और इसको फिर नीचे पूरे खाने को ले आओगे इस तरह से स्केल की सहायता से। और इसके लिए हमें सिंबल बनाना पड़ेगा, इस खंड को आप लोग छायांकित कर देना, भर देना, ताकि दोनों सेम ना रहे। इस तरह से इसको बढ़ती है। इसी के पास में 70 दिया हुआ है अंग्रेजी का, दूसरा 70 है, तो 70 यहाँ दूसरा है। इसके पास में मैंने दोनों खंड लिए थे, उसमें अंग्रेजी लिखा था, दोहरे दंडारेख में आपको 2 साथ में ले लें, तो एक तो हो गया हमारे पास ये अंग्रेजी में प्रथम सत्र का, और इसके पास वाला ले लेंगे हम द्वितीय सत्र का, तो इसमें 70 है, तो ये रहा इसके थोड़ा सा ऊपर है ये 70 वाला, इसको मिला लेंगे और इसको खाली रहने देना है। अब यहाँ पे आप संकेत पहले दे दो, ये संकेत है हमारे पास प्रथम सत्र का, इसको भरा था हमने, तो इसमें लिख दो प्रथम 70, जिससे हमें आसानी से पता चल सके कि ये प्रथम सत्र के लिए है और ये जो बिना भरा हुआ है वो द्वितीय सत्र। यहाँ पे आप खाली वाले पे इस तरह से निशान लगाओगे और इस पे लिखोगे द्वितीय 70, इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम हिंदी में चलते हैं, तो एक खाना तो आपको खाली छोड़ना है, हिंदी वाली में हमारे पास है 72, तो पहले 70 पर जाना है आपको, 70 पर चलेंगे ये, और फिर 2 लाइन, 2 अंक और है बेहतर है, तो 4 लाइन गिनो, एक लाइन 2 लाइनों के लिए एक अंक बनता है, तो हमारे पास यहाँ पे बेहतर है, इज्जतर और बेहतर 2 अंक और चाहिए, 2 अंक के लिए 4 लाइन होगी, तो 70 से 4 लाइन पर गिनना है, ये हमारे पास बेहतर हो जाएगा। इस तरह से स्केल से इसको मिलाएं आप पेंसिल से और इसमें भर दें, क्योंकि ये प्रथम सत्र है, प्रथम सत्र को सबको आप छायांकित कर दोगे। उसके बाद में इसके पास में 65 है हिंदी में, 65 द्वितीय सत्र में है, तो ये रहा 65, और इसको ऐसे खाली रखना है, इसको ये खाली रहेगा। इसी तरह से गणित में आ जाइए, 88 है, तो गणित वाला ये है हमारे पास 88 है, तो 85 आओगे 85। अब हमारे पास 3 अंक और चाहिए हमें, 3 अंकों के लिए 6 लाइन गिनेंगे, तो यहाँ से देखो गणित वाले में यहाँ 85 तक आगे 6 लाइन गिनेंगे, तो यहाँ आ जाएगा। या आप लाइन गिनकर ही करोगे, अंदाज से नहीं करोगे, इसमें तुक्का नहीं माना बिल्कुल भी। इस तरह से ये हो गया, इसको भर दीजिए आप। इसमें हमारे पास हो गया ये गणित का प्रथम सत्र, तो द्वितीय सत्र में हमारे पास 95 है, तो सीधा 95 ये रहा, इसको आप लोग इसके भी सहायता से खींच लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आए थे साइंस विज्ञान, विज्ञान में 81 है, तो 80 पर जाइए पहले, 80 पर चले गए हम लोग ये यहाँ। अब एक अंक के लिए 2 लाइन और गिनेंगे, तो 2
लाइन ऐसे खींचता हूँ, इसको भर दीजिए, ये इस तरह से ये हमारा हो गया विज्ञान का प्रथम सत्र। अब विज्ञान का द्वितीय सत्र है, उसमें 85 है, तो ये रहा इसके ऊपर ही 85, ये हो गया 85। अंत में हमारे पास बचता है SST यानी सामाजिक विज्ञान, 73 है। तो सामाजिक विज्ञान में ये खाली छोड़ना है, ये बॉक्स था अपना, ये दोनों, तो यहाँ पे आपको 73 यानी 70 पे जाना है पहले। तो ये आ गए हम 70 पर, 70 के बाद में अब 3 अंक और चाहिए, तो 3 अंकों के लिए 6 लाइन होगी अपनी, इस तरह से इसको ले आओगे और इसको गहरा कर दोगे, ये लो। और इसी के पास में है 75, इस तरह से दोहरा डंडा लेख बन जाएगा अपना। अब इसे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर देने हैं। इसी ग्राफ को देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो मैं यहाँ से ये सवाल अब मिटा देता हूँ और इसके सवाल देखो अब लिखना है, यहाँ मिटा, इसको मिटा देता हूँ। पहला सवाल सुने अब, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? आपको यहाँ से ये सारणी देखकर पता लगाना है, या ग्राफ देखकर पता लगा सकते हो, ग्राफ से अच्छा सारणी रहे। जैसे अंग्रेजी में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो 3 अंक का, पहले 67 पे था, अब 70 पे चला गया, तो 3 अंक का सुधार हुआ है, इसमें 3 अंक का सुधार हो गया है अंग्रेजी में। इसी तरह से हिंदी में वो माइनस, यहाँ पे देखो 72 से 65 पर आ गया है, 72 था उसके बाद में यहाँ पे 65 पर आ गया है, तो इसमें उसमें सुधार नहीं किया है, जबकि इसमें कमज़ोर हुआ है वो। तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे तो -7 की इसमें कमी आ गई है, -7 की कमी आ गई है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं दूसरा, तो गणित में देखते हैं, गणित में हमारे पास आ रहा है वो है 88 से 95 हो गए, इसमें हमारे पास प्लस में हुआ है, बड़ा है, अच्छा प्रदर्शन हुआ है, तो 88 था, उसके बाद में हो गया हमारे पास 95, तो ये प्लस 7 है, यानी इससे ग्रोथ की है, इसमें बढ़ोतरी की है। इसी तरह से 81 से 85 चला गया, तो प्लस के 4 है, 73 से 75 प्लस के 2। अब आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि इसमें सबसे अधिक सुधार किया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे पास, गणित में प्रदर्शन या सुधार, एक नाम, गणित में सुधार सबसे अधिक हुआ, अधिक हुआ, ये गणित का सुधार आ गया है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास आ रहा है, दूसरा सवाल आ रहा है, उसमें देखिए दूसरा सवाल है, इसमें किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? तो सबसे कम यहाँ से पता लग जाएगा, ये माइनस में है, तो हिंदी विषय में सुधार सबसे कम हुआ। उसके बाद तीसरा अंतिम है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? आपसे ये पूछा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? नीचे का मतलब है जो पहले सत्र में प्रदर्शन किया था उससे भी डाउन हो गए, दूसरे सत्र में उसमें नीचे गिर गया है, तो ये हिंदी विषय ऐसा है जिसमें माइनस में चले गए। तो आप लिखोगे हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई अंकों में, जबकि इसमें प्रदर्शन है वो नीचे ही गिरा है। इस तरह से ये हमारे सवाल हैं। अब इसका एक पांचवा सवाल है, उसमें आपको क्या करना है, दोहरा डंडा लेख बनाना है। मैं यहाँ पे प्रश्न आपके लिए सारणी बना के बता देता हूँ, आप लोग दोहरा डंडा लेख उसका खींचोगे। तो इसमें सवाल ये है कि किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये कॉलोनी में कोई सर्वेक्षण किया गया है, उसके आधार पर आपको इसका दोहरा डंडा लेख खींचना है। तो सबसे पहले इसमें पसंदीदा खेल है, खेल में हमारे पास है पहला क्रिकेट है,
दूसरा बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है, तैरना हॉकी, खेलकूद। अब यहाँ पे भाग लेना, देखना और भाग लेना, ये दर्शक हैं और ये प्रतिभागी है, भाग लेने वाले। तो इसमें 1,240, 470, 510, 430, 250, इसी तरह से इसमें 620 भाग लेने वाले हैं, कि क्रिकेट में 620 भाग लेने वाले हैं, 320, फिर 320, 250 और 105। इसका आपको क्या करना है, दोहरा दंडा ले, जिस तरह से मैंने पीछे वाला सवाल बताया है वो करना है। पांचवा सवाल इसी तरह से, छठा सवाल भी आप लोग स्वयं करोगे, उसमें भी दोहरा दंडा ले। इस तरह से ये अपनी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो जाती है, जिसमें इकहरा दंडा ले की आए हैं हमारे पास, और दोहरा दंडा ले, दो प्रकार के प्रश्न थे। दोनों प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। धन्यवाद।